हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के तमाम बाज़मीर लोगों से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वालों से, और सिर्फ यहाँ से अल्लाह का नाम नहीं, दिलो दिमाग से अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले और अल्लाह से डरने वालों से मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी बात कोई मुनाफिक ना समझे और ना सुने, ना सुनना चाहिए। मेरी बात पाकिस्तान का कोई ऐसा शहरी ना सुने जो पाकिस्तान को और उसके अहदे को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करता है। मेरी बात पाकिस्तान के वो 22 करोड़ लोग सुने जो इस मुल्क में अल्लाह का कानून राज होना देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क देखना चाहते हैं, जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, जो इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, जो वोट का तकद्दुस चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैंने किसको बुरा भला कहा? मैंने कब चाचा बाबा रहमतों का नाम लिया? मैंने कब अदालत का नाम लिया? मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, जितने साजिशी बैठे हैं, जितने साजिशी बैठे हैं, हम नहीं डरते। तुम्हारे हाथ में जेल भेजना हो सकता है, गोली मारनी हो सकती है, जान लेना हो सकता है। मगर मेरे रब के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, वतइज्जो मन तुशा वतो जिल्लो मन तुशा, आज मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बना दिया। और किसको क्या बना दिया, कौन फैसला करे? मेरे रब के हाथ में मेरी जान है, तुम्हारे हाथ में मेरी जान नहीं, तुम्हारे हाथ में मेरा रिस्क नहीं, साजिशों तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। और इंतहा है जुल्म की, एक माह का कैद हुआ, उसी दिन अपील की गई, मगर आज माह गुजर गया, मेरी अपील की समाप्त नहीं हुई। ये है इस मुल्क में मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया है या इंसाफ का बोलबाला किया गया है? इंसाफ का बोलबाला हुआ है या इंतकाम का निशाना बना है? जेल में अगर भेजना है, आओ जेल में देखो, 75 साल के लोग बैठे हैं, 70 साल के लोग बैठे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी बैठे हैं, नैब के शिकार ज्यादा लोग बैठे हैं। पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा नैब है, इनके डायरेक्टरों, असिस्टेंट डायरेक्टरों, इनके घर में छापा मारो, पाकिस्तान की आधी दौलत वहां से मिल जाएगी। आप किसका एहतसाब करें और है कौन आप? मैंने कल भी जो कहा था आज भी कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके कब्जे में मेरी जान है, पाकिस्तान से मोहब्बत, जमहूरियत से मोहब्बत, नवाज शरीफ की क़यादत के नीचे काम करने से अल्लाह ही रोक सकता बंदा नहीं। सब मिलकर बोलो हाशमी, सब मिलकर बोलो हाशमी, है कायद हमारा हाशमी, है कायद हमारा हाशमी, है कायद हमारा हाशमी। बाल के लिए लोग खड़े हैं उधर, आगे भी दोस्त मौजूद हैं, मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं।
और अल्लाह से दुआ है कि जो लोग आमरियत अपने हाथ में ले रहे हैं, जो लोग अपना काम नहीं कर रहे, 18 साल से लोग मौत के काल कोठरी में बैठे हैं, अपना काम करें, प्राय मेहरबानी अपना काम करें, अल्लाह आपसे पूछेगा और इज्जत और जिल्लत। शर्मिंदा वो होगा जो दो नंबर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो चोर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता है। मुझे फख्र है पाकिस्तानी होने पे और मैं जद्दोजहद करूंगा। जिस ख्वाब देखा था कायद आजम ने, अल्लामा इकबाल ने, मेरे बाप दादा ने, पाकिस्तान बनाने के लिए, इनके लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया था जो पाकिस्तान में ऐश कर रहे हैं।